कैंट पुलिस ने सीओ कैंट श्याम देवबिंद के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम के साथ कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में छापेमारी की। इस दौरान सीओ कैंट ने पुलिस के अधिकारियों के साथ लगभग डेढ़ घंटे से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों से पूछताछ की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि तहसीलदार सदर के द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ व आरटीओ कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। दोनों मामलों में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और दोनों विवेचना संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा, साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ जांच करके कार्यवाही की जा रही है। एसएसपी ने कहा, अभी तक जिनके भी नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति कार्यवाही से बचने के लिए फरार रहता है तो उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू व कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सीओ कैंट श्याम देवबिंद, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, पेडलेगंज चौकी प्रभारी शंभु प्रसाद साहनी, उप निरीक्षक अवधेश मिश्रा सहित अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, क्या सोच रहे जी, इसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक रजिस्ट्री ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके विरुद्ध दर्ज करवाया गया है तहसीलदार महोदय के द्वारा, और एक आरटीओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। दोनों प्रकरणों में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही विवेचनाएं संबंधित क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही हैं, और इसमें आगे साक्ष्य संकलन कर जो अन्य लोग इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध आगे कार्यवाही की जा रही है। जी, जो अभी तक प्रकरण में नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि गिरफ्तारी के कारण वो फरार रहते हैं, गिरफ्तारी से फरार रहते हैं, तो उनके विरुद्ध जो एनबीडब्ल्यू और आगे कार्यवाही है कुर्की वगैरह की, वो भी की जाएगी।